समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगाती आई है लोगों पे, और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्रत्याखंड वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को, जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है, और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी जाके करना चाहती थी अपने समाजवाद के जो नेता रहे हैं उनको नमन करना चाहती थी, जो अधिकार है इस प्रदेश की और इस देश की जनता का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ये तो केवल एक ड्रामा कर रहे हैं अखिलेश जी। मैं समझती हूँ जब से अखिलेश जी ने अलायंस की बात करी है, और ये अलायंस इंडिया ब्लॉक अलायंस के साथ साथ जब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो बहुत ही मजबूत अलायंस है इसकी बात करी है, तब से भाजपा वाले थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, और इसी के चलते आदरणीय मौर्य जी ने ये बयान किया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और मैं पूछना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो महिलाओं आरक्षण बिल में उनकी क्या सोच है, क्या वो अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को उनका हक, सम्मान और उनका आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे मौजूदा सरकार से। एक आखिरी सवाल मैडम कि ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश जी तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं, जनता ने पहले ही कांग्रेस को। मैंने इस बात का जवाब दिया है कि जो अखिलेश जी ने जो बात करी है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अलायंस की, इस वजह से भाजपा वालों में कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि जनता त्रस्त है, उनकी जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है मौजूदा सरकार में। ये मौजूदा सरकार है वो गलत धारणा से काम कर रही है, और लोगों के विषय और लोगों के हृदय में और मन में एक भय का वातावरण जो काल्पनिक है, इस तरह का वातावरण वो पैदा करना चाहती है। लेकिन यूपी की जनता और पूरे देश की जनता तैयार है इस बार भाजपा को हटाने के लिए, प्रदेश से और देश से, क्योंकि हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ हमारा किसान, जिसकी आय दुगनी करने का वादा किया गया था, आज वो त्रस्त है, आज वो बहुत ज्यादा जूझ रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब चुनाव हुआ था यूपी का, तो प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि आवारा पशुओं का वो जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसान हमारा परेशान है, उसका वो निवारण करेंगे, तो क्या वो अपनी बात में कायम रहे? और आदरणीय मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को बतानी चाहिए अपनी राय की कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अपनी बात को मुखरता के साथ उनको रखना चाहिए। जय प्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, जो भारत रत्न है, उनकी जन्म जयंती है, और ये लोकतंत्र सेनानी जो बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र के देवता, इनको प्रणाम करने, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आने का मुझे सौभाग्य मिला है। कांग्रेस इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने की सोच रखने वाली पार्टी है। उसी ने इस देश में 1975 में आपातकाल 25 जून को थोपने का काम किया और इस देश की के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन देश की इन लोकतंत्र सेनानियों ने और देश की जनता ने यह बता दिया कि लोकतंत्र का जनक भारत है, भारत की नस नस में लोकतंत्र है, जड़ में लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम उस समय भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति न मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे, आज वो ये बतावे कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं? जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, और इस प्रकार की चीजों को कोई महत्व नहीं। सर, जिस तरह से अब ये विश्व सरैया हाल बंद होता और यहाँ अनुमति हमारे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन की नहीं होती, तो यहाँ ये लोग कैसे आते? तोड़ के आएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो श्री अखिलेश यादव जी, इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे हैं, कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी तो बढ़िया, अपने कार्यालय में मनाते।
लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।